एकता, स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस पर्पल हार्ट प्लांट पर बात करूँगी। ये जो प्लांट है दोस्तों बहुत ही हार्डी होता है, इजी टू ग्रो, इजी टू केयर एंड लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तब आप इसे आपके गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट जो है बहुत आसानी से लग जाता है, ज़्यादा देख रेख की इसे ज़रूरत नहीं होती है और बहुत अच्छे से लगता है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, किसी पॉट में भी लगा सकते हैं और आप इसे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाला प्लांट होता है। और दोस्तों इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही फ्लैशी होती है, इनकी लीव्स में पानी जमा होता है, वाटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये एक सक्यूलेंट की वैरायटी भी है। ये देखिए आप, ये ज़रा सा इस तरह से देखिए आप कितनी फ्लैशी है ये, इसमें शाइनिंग होती है पानी की वजह से, सक्यूलेंट की वैरायटी होती है। जिन भी लीव्स में, जिन प्लांट की लीव्स में वाटर स्टोर होता है वो प्लांट जो है वो सक्यूलेंट होते हैं। अब दोस्तों आप इसकी लीव्स का कलर देखिए, ये पर्पल है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों इसे आप बहुत ही आसानी से लगा भी सकते हैं अपने गार्डन में। और इसमें इस तरह देखिए आप, लाइट पर्पल कलर का या लाइट पिंक कलर का फ्लावर लगता है। अब दोस्तों बात करें इसकी सॉइल की, तो इसे इस प्लांट को सॉइल जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। इसकी लीव्स में वाटर होता है, इसलिए यदि हम इसे ओवर वाटरिंग करेंगे तो आप इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगेगी और प्लांट जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के डिसीज़ के कारण जो प्लांट है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा ओवर वाटरिंग के कारण। ये देखिए दोस्तों, इसमें इस तरह से बर्ड्स आती हैं, इस तरह से इसमें कलियाँ आती हैं और फिर ये जो फ्लावर है इस तरह से खिलता है। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, इसकी जो सॉइल है वो प्रॉपर ड्रेनेज वाली होनी चाहिए और आप रेगुलर इसमें पानी ना दें, वो ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट जो है वो ख़राब होने लगेगा। आप देख लें पहले कि सॉइल जो है वो ऊपर की जो सॉइल की लेयर है वो यदि थोड़ी ड्राई होने लगे तभी आप इसमें पानी दें। डेली वाटरिंग करना इस प्लांट को ज़रूरी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि बस इसकी सॉइल जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। पॉटिंग मिक्स की बात करें तो एक हिस्सा बजरी, एक हिस्सा गार्डन की सॉइल और एक हिस्सा खाद मिलाकर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब दोस्तों बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़र ना भी देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे से चलता रहेगा। हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए आप, इसमें इस तरह से कलियाँ आ रही हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से देखिए मेरा प्लांट जो है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। ओवर वाटरिंग जो पॉट है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये धूल मिट्टी सब जमा हुई है इस प्लांट पे। एक बारिश में इसको फिर से रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा। दोस्तों बात करें इसके प्रोपगेशन की, तो पर्पल हार्ट प्लांट जो है वो कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत जल्दी लगने वाला प्लांट है, बहुत ही हार्डी है, इसलिए आप इसे किसी भी मिट्टी में लगाएंगे ये लग जाएगा और आप इसे सीड से भी लगा सकते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों आपको जहाँ भी इस प्लांट की कटिंग मिले आप ले आइए और आप इसे अपने गार्डन में लगाइए, बहुत जल्दी लगेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पर ध्यान रखिए कि इसके जो सॉइल है उसमें ओवर वाटरिंग ना हो, जिससे ये प्लांट जो है वो ख़राब नहीं हो। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।